आज है ना स्ट्रीट फूड बना रहे हैं तवा बर्गर। आ जाओ दिखाती हूँ कैसे बनता है। मैं ये पैन में थोड़ा सा पहले ऑयल डाल देती हूँ। एक्चुअली ना स्ट्रीट फूड है तो अच्छा खासा बटर में बनता है, पर मैं इतना बटर नहीं डाल रही हूँ। ये तवा बर्गर बन रहा है तो पहले हम इसका स्टफिंग बना रहे हैं। अब ये इसके अंदर मैं डालूंगी गार्लिक। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये प्याज जो बारीक चॉप करके रखा है। प्याज को हम फ्राई कर देंगे, ऐसे अच्छा खासा फ्राई हो जाए ना, उसका पूरा कच्चापन निकल जाए तब तक फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे सॉल्ट। अब मैं डाल रही हूँ ये कैप्सिकम और डाल देंगे ये टमेटो। ये तकरीबन 2 या 3 टमेटोज है डिपेंडिंग ऑन द साइज। हम मिक्स कर देते हैं। अभी है ना हम 2 मिनट पकने देंगे जब तक कि टमाटर एकदम सॉफ्ट हो जाए और हमें थोड़ा सा मशी मशी ग्रेवी मिल जाए। वैसे ये थोड़ा सा ड्राई ही होता है, ये बहुत ग्रेवी वाला नहीं होता है। तो जो टमेटोज में से पानी ऊज आउट हो रहा है ना, बेसिकली हमें वो बर्न करना है। अब है ना मैं ये मेरे पास है ना तवा मसाला है, जो ड्राई वाला मसाला आता है ना उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने ये पेस्ट जैसा बना दिया है। बेसिकली स्ट्रीट फूड की ब्यूटी ही यही होती है कि देयर इज नो फिक्स रेसिपी। मतलब ऐसा नहीं है कि ये स्टेप फॉलो करना है। आप मैं यहाँ पे तवा मसाला डाल रही हूँ, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप गरम मसाला डाल सकते हैं, आप इसके अंदर टिक्का मसाला भी डाल सकते हैं, और अगर चाइनीज फ्लेवर अच्छी लगती है तो शेजवान सॉस या तो फिर शेजवान चटनी भी डाल सकते हैं। तो ये गया तवा मसाला इसके अंदर। ये मैंने पानी के अंदर है ना इसलिए डाइल्यूट करके रखा था कि पाउडर फॉर्म में डालेंगे और ये मुझे थोड़ा सा ड्राई बनाना है ना, तो वो कभी कभी जल जाता है। ये अभी जलेगा नहीं और अच्छे से ये सब्जी में मिक्स हो जाएगा और हमें एक लटपटी सी प्यूरे जैसा मिल जाएगा। अब आया भाई हेल्थ क्विज इसके अंदर। मैं आज है ना बाजार गई थी कुछ कुछ सामान लेने, तो पता चला कि भाई पनीर खत्म हो गया। सब लोग है ना पनीर सबसे पहले लूट लेते हैं, तो पनीर नहीं मिला तो उसकी बाजू में है ना टोफू रखा हुआ था, मुझे टोफू मिल गया। क्योंकि टोफू कोई लेता नहीं है, आता नहीं है कैसे बनाए, तो ये देखिए आज मैं ये टोफू से बना रही हूँ। आप पनीर से भी बना सकते हो। तो मैं ये डाल देती हूँ, ये एक पैकेट टोफू है मैं वो डाल देती हूँ। और मैं सच बता रही हूँ आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये वाला जो हम तवा बर्गर बना रहे हैं ना, जब आप खाएंगे तो कभी पता नहीं चलेगा कि ये टोफू से बनाया है। ये बहुत यम बनता है। मैं ना इसको मैशर से थोड़ा सा मैश कर देती हूँ, ये जो पीसेस है ना उसको तोड़ देती हूँ ताकि जो बर्गर बन है ना उसमें भरने में आसानी हो जाए, वरना सब बाहर गिरता पड़ता रहेगा। This is almost done. बहुत ही यम्मी लग रहा है। अच्छी खुशबू आ रही है ना। ये बस अभी लास्ट में मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये कुछ हरे प्याज है मेरे पास, वो डाल देती हूँ और धनिया है। चलिए स्टफिंग बनके रेडी है, इसको मैं प्लेट में निकाल देती हूँ।
तो ये मेरे पास बर्गर बन है जिसको हमने काटा हुआ है। इसके अंदर ये वाला जो स्टफिंग है ना, हमने जो अभी टोफू वाला बनाया है वो मैं इसके बीच में डाल देती हूँ। मैं बर्गर में बीच में कहीं पे कुछ बटर वटर नहीं लगा रही हूँ, बिकॉज अभी हम इसको बटर में थोड़ा सा फ्राई भी करने वाले हैं, तो वैसे ही काफी बटर आने वाला है। ये देखिए, ये हमने बर्गर को फिलअप कर दिया है, ऐसे ही कितना सुंदर दिख रहा है ना। पर स्ट्रीट फूड है तो थोड़ा सा बटर तो बनता है, तो यही पैन को जिसपे हमने स्टफिंग बनाया था ना, उसको ही मैं वापस गरम करने रख देती हूँ। और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा बटर, तो मैं 1 टीस्पून जितना बटर डाल रही हूँ। बटर जल ना जाए ना, इसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, वरना बटर है ना बहुत जल्दी जल जाता है। और अब इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा गार्लिक, ये फाइनली चॉप गार्लिक है वो थोड़ा सा डालूंगी, और थोड़ा सा डाल देंगे धनिया। इसको मैं परफेक्ट लुकिंग लवली, बटर में जो गार्लिक फ्राई होता है ना, इसकी अरोमा मुझे लगता है कि पड़ोसी के घर तक जाती है। एक गया हमारा पहला बर्गर के अंदर, दूसरा वाला। और अब इसको टर्न कर देंगे, हमें ज्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा ही पकाना है। वाह वाह, क्या सुंदर लग रहा है। और नीचे से भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे हम। ये रेडी है, इसको हम निकाल देते हैं प्लेट पे। दोनों ही बर्गर रेडी है, फटाफट से प्लेटिंग करते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बिकॉज स्ट्रीट फूड गर्मा गर्म बहुत अच्छा लगता है। तो लीजिए, तैयार है स्ट्रीट फूड तवा बर्गर।